सो हे गाइस, हम लेके आ चुके हैं डॉम्स का पेंट ब्रश। काफ़ी सॉफ्ट होता है ये और पेंटिंग करने में मज़ा आएगा, और काफ़ी कॉस्टली है यार। आप लोग भी चाहो तो ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है। तो इसे खोलते हैं। अभी निकल गया ये, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, दिखने में तो काफ़ी अच्छा है। तो इसके साथ एक ब्रश फ्री भी मिलता है, तो हम लोग इसे चेक करते हैं कि कैसा है। तो इसे देखने में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार, ऐसे देखने में, और काफ़ी अच्छे कलर्स भी दिख रहे हैं, काफ़ी ब्राइट। तो इसको हटाते हैं और इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। ये काफ़ी अच्छा दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, तो एक बार इसे चेक भी करना है, तो हम इसे चेक भी करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा है। तो मैं यहाँ पर एक पेपर ले लेता हूँ, फिर से चेक करते हैं। पहले ब्लू कलर से थोड़ा सा शेड करके देख लेते हैं। चलाने में तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है, बट मुझे आता नहीं है चलाना, तो मुझे थोड़ा सा अलग है। और इसमें राइटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है ये पेन, काफ़ी अच्छा चलता, तो काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, पर मुझे चलाने सही से नहीं आ रहा है। तो मैं एक बार, इसमें बताया गया है कि मैं कलर्स को मिक्स भी कर सकता हूँ और काफ़ी अच्छे से मिक्स होता है इसमें। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, ऑरेंज और येलो को मिला के देख लेते हैं कि कैसा लगता है। तो चलिए एक बार करते हैं, और ध्यान से देख लीजिए, कलर को ऐसे ही मिलाना है, और दूसरे जैसे मिलाओगे तो ख़राब हो जाएगा। तो इसके दोनों नोक यानी इसके दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से अटैच करना है, तो एक दूसरे का कलर एक दूसरे में चला जाएगा, तो फिर ऐसे होगा ये। फिर इसके बाद नॉर्मली शेडिंग काफ़ी सॉफ्ट है यार, चलाने में काफ़ी अच्छा आया है। तो ऊपर साइड मेरा ऑरेंज आ गया है, नीचे साइड येलो आ गया, काफ़ी मस्त दिख रहा है। तो यार काफ़ी काम का है, आप लोग भी ले लीजिए। मैं भी यहाँ पे अब वीडियो बनाऊंगा, रेगुलर वीडियो आएंगे अब, तो इसके लिए मैंने ये ले लिया। तो काफ़ी अच्छा है ये, तो आप लोग भी इसे बाय कर सकते हो। ये काफ़ी मस्त है, दिखने में ही नहीं काफ़ी काम का भी है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप देखते रहना, और इसमें इसका यूज़ कैसे करूँगा ये भी बताऊँगा। जब तक आप देखिए इसका रिव्यू कितना अच्छा है ये।